अरफात बैंक्वेट्स, दो खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया, अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर खासिम, कॉर्पोरेटर विजयनगर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कल जो पोलिंग का दिन था 13 मई, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने मेरी और आपकी माँ, मेरी और आपकी बहन का नकाब उठाकर वेरीफाई किया कि वही लेडी है या नहीं है, और उसके बाद कहती है कि आपकी एज मैच नहीं हो रही, आप कम उम्र दिख रहे हैं, और एक एक को कहा आप बढ़ के उम्र के दिख रहे हैं, और ये तोहमत लगाई मेरी और आपकी बहन, मेरी और आपकी माँ पर। तो मैं इस माधवी लता को कहना चाहता हूं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी बिसात नहीं, तुम एक गली की लीडर, तुम्हें मौका दे दिया बीजेपी ने, वरना तुम तो एक गली की सदर भी नहीं बन सकती, तुम्हारी औकात भी नहीं है तुम हमारी माँ और बहनों का पर्दा उठाकर देख सके। माधवी लता, तुम जाकर अपने शोहर का नकाब उठाकर देख लो, कौन से फार्म हाउस में किसके साथ रंगरलियां मचा रहे हैं, आपको पता नहीं तो मेरे से ले लो, तुम्हारी पूरी फाइल मेरे पास है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अपने अल्फाज को बंद रखा था, मैं अपनी जबान को बंद इसलिए रखा था क्योंकि मैं इज्जत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में इलेक्शन लड़ रहे थे बैरिस्टर नौरुद्दीन ओवैसी साहब, इसलिए मैं अपनी जबान को बंद रखा था। मगर कल तुम जो मेरी माँ, मेरी बहन का जब पर्दा उठाकर देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इस वजह से मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि माधवी लता, तुम्हारी बेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वीएनसी में है, उसकी तरबियत क्या है, वो क्या लेती थी और कोसे इंजेक्शन से क्या करती थी, वो भी मेरे पास है, और तुम्हारी और एक एक बेटी जो डायबिटिक है उसके बारे में भी मुझे मालूम है माधवी लता। और तुम रहते मारटपल्ली में और तुम्हारे शोहर रहते जुबली हिल्स में, क्यों अलग अलग रहते? पहले अपने घर का पर्दा उठाकर, अपने घर का नकाब उठाकर झांक लो कि तुम्हारे घर में क्या तरबियत है और तुमने क्या तरबियत दी अपने बच्चों को। मेरी माँ और बहनों के पर्दे उठाने से पहले तुम हमारी गैर मौजूदगी में उठा लिए, खबरदार, तुम अगर रुख भी अगर ओएसडी का फिर से करेंगे और बुरखे के तरफ तुम्हारा हाथ भी बढ़ेगा, खबरदार, मैं तुम्हें फिर से आगाह कर दूंगा, कर रहा हूं कि अब इलेक्शन हो चुका, बहुत तमाशा होगा, बहुत कुछ तुमने कहा हमने बर्दाश्त किया, अब नहीं, अब इलेक्शन हो गया, मारटपल्ली में झक मरा लो, इधर आना नहीं, अगर आएंगे तो फिर वही बुरखे और वही नकाब, जब उठेगा तो जूते और चप्पलों से तुम्हारा इस्तकबाल होगा। हम तुम्हारा छोड़ दिए, तुम भरतनाट्यम बहुत अच्छा करते, चलो हम भी एंजॉय करेंगे, बल्कि हम तुम्हारा छोड़े इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे गिरबान तक आ जाए, खबरदार माधवी लता, वरना हमें भी दूसरी जबान आती है, और मैं बहसियत के डॉक्टर भी हूं और मैं दूसरी जबान भी रखता हूं, अगर मैं अपनी जबान पे उतरूंगा तो कान में से खून बहेगा। माधवी लता, आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से तुम हमारी, मेरी माँ, मेरी बहन पे अगर तुम आवाज उठाएंगे, अगर उनके ऊपर शक करेंगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर का पर्दा पूरी पब्लिक के सामने उठा दें।